जी हाँ, अब 220 स्ट्रीट में भी आने लगी है। तो भाई फाइनली बजाज ने अपनी एवेंजर 220 स्ट्रीट को रिलॉन्च कर दिया है जो कि अभी हमारे सामने है। आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ सभी के सामने एक बार फिर से बेस्ट इन सेगमेंट एक क्रूजर बाइक के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर की। ये बाइक आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। यह मोटरसाइकिल 163 किलो की है। जी हाँ, इसका कर्व वेट 163 kg का है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm का मिलता है। इसकी लेंथ है 2210 mm की, विड्थ है 806 mm की, हाइट है 1321 mm की, व्हील बेस है 1490 mm का और इसकी सीट हाइट है 737 mm की। आइए भाई मैं आपको इसकी सीट हाइट भी दिखा देता हूँ। मेरी हाइट जो है लगभग 5.6 इंचेस के आसपास है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, दोनों पैर जो हैं ज़मीन पर टच कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैट टच कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस किसी की भी हाइट कम है ये बाइक उनके लिए भी बेहतर है। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। आइए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए इसके हेड हैंडल ORBM के डिज़ाइन को, जो कि कुछ इस तरीके का है। हेड की अगर बात की जाए तो इसका शेप जो है कुछ इस तरीके का है। ये देखिए यहाँ पर एक वाइज़र मिल जाता है जो कि ग्लॉसी ब्लैक कलर में है, हाफ ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर नीचे की तरफ LED DRLs मिल जाते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो हैलोजन बल्ब के साथ में इसमें आपको हेडलैम्प सेटअप मिलता है। और यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं जिसमें कंपनी ने हैलोजन बल्ब का ही यूज़ किया है। आइए ऑन करके भी दिखा देता हूँ। इग्निशन को यहाँ पर दिया हुआ है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके LED DRLs ऑन हो जाते हैं। ये देखिए साइड टर्न इंडिकेटर। देखिए बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। ये देखिए विथ रबर प्रोटेक्शन, फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है जो कि ब्लैक कलर में मिलता है, फाइबर का है। फ्रंट में कंपनी ने 17 इंचेस का एलॉय व्हील दिया है। एलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। फ्रंट में MRF कंपनी का बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है। इसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 90-90-17। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। बात करते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। इस बाइक में सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट व्हील में कंपनी ने 280 mm की डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दी है। इसके टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखिए यहाँ पर ये एवेंजर को 3D में मेंशन किया है। कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। टैंक जो है मेटल में मिलता है। इस बाइक में 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। टैंक का डिज़ाइन जो है ऊपर की तरफ ये देखिए कुछ इस तरीके का है, ये फाइबर में मिलता है। सबसे बड़े अपडेट की अगर बात की जाए तो स्ट्रीट अब E20 के सपोर्ट के साथ में आ गई है। फ्यूल कैप देखिए ब्लैक कलर में है। यहाँ पर एक डिस्प्ले मिल जाती है। इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के टैंक हैंडल ORBM के डिज़ाइन को दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है। आइए अब इसके सभी फीचर बटन भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच। सेंटर में देखिए एवेंजर को मेंशन किया है। इसके राइट हैंडल पर डेडिकेटेड इंजन किल स्विच, यहाँ पर ये हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिल जाता है और उसके नीचे एक सेल्फ का स्विच मिल जाता है। गाइस इस बाइक में ORBM ये देखिए स्क्वायर शेप में मिलते हैं, राउंड शेप में नहीं है, स्क्वायर में है क्योंकि फाइबर की हैं। मीटर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में फुली डिजिटल मीटर मिलता है और इग्निशन को यहाँ पर प्लेस नहीं किया गया है, इग्निशन को यहाँ पर प्लेस किया गया है। इस बाइक के साथ में दो चाबियाँ मिल जाती हैं। ये देखो नॉर्मल कीज़ हैं, वेब कीज़ नहीं मिलती हैं। आइए इसके इग्निशन को भी ऑन कर लेते हैं। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है। इसकी डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, लेकिन इसमें कोई भी गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं मिलता है। और यहाँ पर देख लेते हैं ट्रिप 1, ट्रिप 2, बस इतने ही फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। यहाँ पर चेक इंजन इंडिकेटर, बजाज इंडिकेटर, यहाँ पर ABS इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, यहाँ पर देखिएगा साइड टर्न इंडिकेटर और इसकी डिस्प्ले में साइड स्टैंड भी दिखाता है। ये देखो सिंगल हॉर्न मिलता है, देखते हैं कितना लाउड है। ठीक ठाक लाउड है, अभी बैटरी शायद इसकी लो लग रही है।
आइए गाइस अब वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इस बाइक के इंजन की। इसमें कंपनी ने 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल BS6 फेज 2 वाला FI 4 स्ट्रोक 2 वाल्व बजाज कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का इंजन दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 18.76 BHP की 8500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 17.55 न्यूटन मीटर का 7000 RPM पर। इसके इंजन से काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर भी अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा है और इसी के साथ साथ माइलेज भी ये ठीक ठाक दे देती है। माइलेज के बारे में आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। ऑयल कूल टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए, 5 गियर मिलते हैं, फर्स्ट डाउन, ऑल अप, राइडर फुटपैड देखिए, काफ़ी ज़्यादा हैवी है और ऑटो अनफोल्ड के साथ में आता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है और यहाँ पर देखिए रबर की प्रोटेक्शन लगा कर दी है। वैसे यार ये तो गिर जाएगी यार, है ना, शायद फिक्स है ये बोल्ट से। हाँ फिर ठीक है यार, नहीं तो गिर जाती ना। सेंट्रल स्टैंड भी मिलता है कंपनी ब्रांडेड। ये देखिए गियर का पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है और अब तो इसमें बहुत सारी वायरिंग हो गई है। ये देखो OBD2 सेंसर आ गया है, BS6 फेज 2 आ गया है और E20 भी सपोर्ट इसमें दे दिया है। साइड पैनल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 220 स्ट्रीट को मेंशन किया है। पिलियन फुटपैड देखिए, फोल्डेबल मिलता है। इस बाइक की सीट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इसकी सीट जो है राइडर के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ये देखो पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग का यूज़ किया गया है। ये देखिए काफ़ी अच्छी फॉर्म इसमें दी गई है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ग्रैब रेल की अगर बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पर भी ये रबर मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। इस बाइक में नेकेड चेनसेट मिलता है, बॉक्सी पैटर्न में स्विंग आर्म मिलता है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। आइए बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगाकर दिए हैं। कंपनी फिटेड ही आपको इसमें साड़ी गार्ड मिलता है, लेकिन कोई भी लेडी फुटपैड यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। रियर में कंपनी ने 15 इंचेस का एलॉय व्हील दिया है जबकि फ्रंट में 17 इंचेस का एलॉय व्हील मिलता है। आइए रियर टायर देख लेते हैं। MRF कंपनी का बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है। इसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 130/90/15। ये देख लो भाई, ट्यूबलेस टायर है। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट में कंपनी ने हेलोजन बल्ब का यूज़ किया है। साइड टर्न इंडिकेटर फ्लेक्सिबल मिलते हैं, हेलोजन बल्ब के साथ में है। नंबर प्लेट लाइट की अगर बात की जाए तो भाई अभी ये ऑन नहीं है, ठीक है, इसमें भी हेलोजन बल्ब ही होगा। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। आइए बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इस बाइक में सिंगल चैनल ABS मिलता है, ठीक है, और रियर व्हील में कंपनी ने 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ये देखिए ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ पर दो छोटे छोटे मफलर भी मिल जाते हैं, मेटल के हैं। यहाँ पर देखिए एडिशनल प्रोटेक्शन लगा कर दी है। इसके इग्निशन को राइट साइड में यहाँ पर प्लेस किया गया है, ये देख लो आप, यहाँ से इसके इग्निशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से लॉक नहीं कर सकते। और देखिएगा इस बाइक से DTSI टेक्नोलॉजी हटा दी है। इसका पूरा सिस्टम, रियर ब्रेक लीवर जो कि काफ़ी आगे की तरफ है, यहाँ पर ये हैंडल लॉक दिया गया है राइट साइड में, ये देखो। आइए बाइक को स्टार्ट करते हैं, इंजन साउंड सुनते हैं और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनते हैं। सिंगल एडेंट में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन नहीं हुई। आप इसकी हेडलाइट को मैनुअली यहाँ से ऑन कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखना ये देखो, इसका लो बीम हाई बीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा मधुर बजाज को जिन्होंने ये बाइक मुझे प्रोवाइड की है। इनका ये शोरूम दिल्ली में ओखला में अवेलेबल है। यदि आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप यह वीडियो देखकर शोरूम पर जा रहे हैं तो वहां जाकर आप जरूर बताएं कि आप टेक्निकल SIST YouTube चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाए। आइए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 यानी कि 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है।
माइलेज की अगर बात की जाए तो आप इससे मैक्सिमम 40 तक का एवरेज निकाल सकते हो, फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आइए बात करते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। गाइस, एवेंजर 220 में दो वेरिएंट्स आते हैं, क्रूज एंड स्ट्रीट। पहले दोनों आती थी, फिर उसके बाद में स्ट्रीट को बंद कर दिया था, ठीक है। तो अभी फाइनली कंपनी ने इसको रिलॉन्च कर दिया है, ये भी अब आपको मिलने लगी है। प्राइस की अगर बात की जाए तो इसकी एक्स शोरूम स्टार्टिंग होती है 1,43,000 से और ये बाइक ऑन रोड लगभग आपको 1,72,000 के आसपास मिल जाएगी, यानी कि 1,72,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही माने, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है वो अलग अलग होती है। आप प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोज की। जिन लोगों को भी कम्फर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए हो, उनके लिए ये बाइक एकदम से परफेक्ट है, क्योंकि राइडर के लिए ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। जिस किसी की भी हाइट कम है और उसको क्रूज़ करना ज़्यादा पसंद है, उसके लिए ये बाइक बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें सीट हाइट बहुत ही कम मिलती है, 737 कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ फुली डिजिटल मीटर मिलता है इसमें, हालांकि इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। और इस बाइक में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, फ्रंट वाला 17 इंचेस का है, रियर वाला 15 इंचेस का है, और ठीक है। आइए गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके कॉन की। गाइस, इस बाइक में आपको हेडलाइट हैलोजन बल्ब के साथ में ही मिलती है, और इसी के साथ साथ इसमें सिंगल चैनल ABS है। अगर डुअल चैनल ABS होता तो और भी बेहतर होता। भाई, इसके नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रीट और क्रूज़ के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों बाइक्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, किस बाइक की तरफ आपको जाना चाहिए, आपके लिए कौन सी वैल्यू फॉर मनी होगी। ये बाइक एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक बाइक भी है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस बाइक की प्रॉपर राइड करने वाला हूँ और इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। यदि मुझे उसमें भी कुछ भी कौन लगेगा तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बाइक जो है 100% रिकमेंड करता हूँ। अब तो आपके पास में दो ऑप्शन हो गए, चाहे स्ट्रीट या फिर क्रूज। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।